रैंक कार्ड कुछ दिनों पहले ICR को रैंक कार्ड के लिए ऑफिशियल ईमेल किया गया था, जिसमें उनका रिप्लाई मिला था टिल 15th नवंबर आप सभी की रैंक कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। आज हो चुके हैं 13th नवंबर, अभी तक आप सभी की वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज आप सभी के लिए। पिछले एक महीने से आप सभी जो डेली क्वेश्चन आज करते हैं, रैंक कार्ड कब रिलीज होगी, ICR 22 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कंप्लीटली ICR को एक्सपोज करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आगे साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक ही प्रॉब्लम है रैंक कार्ड को लेकर, उसका भी सोल्यूशन जल्द ही मिलने वाला है। लास्ट टाइम हमने आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर किया था, जिसमें आपको बता रखा था कि ICR की तरफ से रैंक कार्ड 15th नवंबर तक रिलीज कर दी जाएगी, जिसका एक रूल होता है कि रैंक कार्ड रिलीज होने से एक वीक पहले आप सभी की वेबसाइट एक्टिव होती है। तो हमने एक बार फिर से उनको रीमेल किया हुआ है, साइड में आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि उनका फिर से रिप्लाई मिला है कि अभी कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। दैट्स मीन कि ये डेट आगे एक्सटेंड होके 20-25 नवंबर तक जा सकती है। तो इसी चीजों को आगे मनमानी को ICR जो मनमानी हो रही उनको रोकने के लिए हम एक जल्दी ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, और इस ट्विटर कैंपेन में हमें चाहिए साथ आपका। इसके अलावा हमारे साथ में कुछ और यूट्यूबर जिनसे मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर सभी लोग एक ओवरऑल मिलकर ट्विटर पर इस कैंपेन के लिए ट्वीट करें, तो जाहिर सी बात है कि रैंक कार्ड पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। लास्ट टाइम हमने और एक और अदर सीनियर हैं, दो यूट्यूब चैनल ने मिलकर ICR की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए काफी बुलंदी से आवाज उठाई थी, जिसको लेकर इस बार से लास्ट ईयर से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होना स्टार्ट हो गया था। तो भाई काफी लंबे टाइम से आप सभी लोग डाउट में हो कि रैंक कार्ड कब आएगा, ऑलरेडी आपका सेशन लेट हो चुका है, और सेशन लेट होने का जो रीजन है वो भी ICR का ही रैंक कार्ड है। ठीक है, रैंक कार्ड आते आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ कि रैंक कार्ड आने से पहले वन वीक पहले आप सभी की वेबसाइट मेंटेनेंस से एक्टिव मोड में आती है। तो काफी सारे लोग आपको जो बता रहे हैं कि रिजल्ट रैंक कार्ड इतने टाइम तक आ जाएगा, तो आप लोग की बात ध्यान दीजिएगा कि रैंक कार्ड आने से पहले एक वीक पहले ही आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपका यूनिवर्सिटी लॉगिन कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन, ये सारी चीजें क्रिएट होती है, उसके बाद आपका वेबसाइट फिर से मेंटेनेंस में जाता है, तब जाके कहीं आपकी रैंक कार्ड और काउंसलिंग की शेड्यूल रिलीज होती है। तो फाइनली हम लोग वेट करते हैं 15th नवंबर तक का। 15th नवंबर तक अगर आपकी रैंक कार्ड रिलीज नहीं होती है या फिर वेबसाइट एक्टिव नहीं होता है, उसके बाद 16th या 17th को हम एक बहुत ही बड़ा ट्विटर कैंपेन चला रहे होंगे ICR के खिलाफ, जिसमें कि ICR से अपना सवाल पूछा जाएगा कि रैंक कार्ड कब तक रिलीज होगा। देखो जो आपका ओवरऑल रिस्पांस है वो कॉलेज को नहीं है, ओवरऑल रिस्पांस ICR के पास है। तो कॉलेज को आपसे कोई मतलब नहीं कि आप कब उनके पास आओगे, डजेंट मैटर। दैट्स मीन कि कॉलेज तभी आपको अपने इनवाइट करेगा स्टडीज के लिए, जबकि ICR आपकी फाइनल लिस्ट अलॉटमेंट लेटर के साथ उनके पास सेंड करेगी। तो ऑलरेडी कॉलेजेस में सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका काफी बड़ा खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ सकता है बाद में एग्जामिनेशन के फॉर्म में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेशनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 17th नवंबर से पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सेशनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, और अभी तक आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ। तो जो बच्चा ICR के थ्रू पंतनगर में जाएगा, उनका 10th नवंबर का एक बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग लास्ट में आपको बता रखा था कि मैं आप सभी के साथ नोट्स शेयर करता रहूंगा, आप सभी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाकी रैंक कार्ड की कोई भी अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल वीडियो आप सभी के एक्सपोजिशन के लिए, ताकि कि आप सभी लोग इस चीज के लिए जागरूक है। और जल्दी जैसे मैं ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट करूंगा, नीचे हमारा ट्विटर आईडी दिया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे ही ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होगा हम आपको ईमेल वीडियो के थ्रू या फिर ट्वीट के थ्रू बता देंगे, कुछ और यूट्यूबर के साथ लेंगे। इसके लिए आप सभी का भी साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फर्दर वीडियो आप सभी को ऑथेंटिक केवल और केवल एग्री अपडेट्स पे मिलती रहेगी। तो रैंक कार्ड का वेट करते हैं वेबसाइट एक्टिव होने का 15th नवंबर तक, उसके बाद आप सभी का ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, अपने प्रॉब्लम को वहां शेयर कर सकते हो। इसके अलावा तमाम वीडियो टाइम टू टाइम आप सभी को यहां पे मिलती रहेगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल की रैंक कार्ड को लेकर यूजी या पीजी किसी भी कैंडिडेट को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे रैंक कार्ड आएगी वैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम हमने फिर से रीमेल किया, आप लोग साइड में देख सकते हो, फिर से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। ये एक तरह से ICR की मनमानी हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स जो मिस्टेक होगी, जो भी आगे का प्रॉब्लम आएगा वो डायरेक्टली हम स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना नहीं पड़ेगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आप सभी का
ट्विटर पे एक ट्वीट के फॉर्म में। तो जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, वेट कर लेते हैं 15 नवंबर का। 15 नवंबर तक रैंक कार्ड या फिर वेबसाइट एक्ट नहीं होती है, हम इसके लिए अपनी आवाज को जरूर उठाएंगे आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच आपसे जुड़ने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पर्सनलाइज काउंसलिंग आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो साइड में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मैसेज करके पता कर सकते हो। बाकी चीजें आप सभी के साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच ऑल।